हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं और वो टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चले। जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं है और उनका एग्जाम में अभी 10 दिन 15 दिन का समय है, उससे ज़्यादा समय है, सेकंड फेज में एग्जाम है या फिर फरवरी में एग्जाम होगा या फिर मार्च में एग्जाम होगा, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाए। अगर एक आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा कि 80+ तक का भी स्कोर आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, उतना हासिल कर सकता है। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी अगर पढ़ने वाला है तो वो भी इतना स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को क्लियरली समझें और सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस तरह के पेपर में, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताकर चलूंगा। वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के कुछ टेस्ट चल रहे हैं अनअकैडमी पर, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री है और ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है ये आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, यानी कि मंडे को आप यहां पर दे सकते हैं मैथ्स के टेस्ट सीरीज, ठीक है, ट्यूसडे में आपको मिलती है रीजनिंग की टेस्ट सीरीज और वेडनेसडे में आपको जीके जीएस की टेस्ट सीरीज यहां पर देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मेरे स्टेटिक जीके के कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि शुरू हो रहा है 10 जनवरी से, तो आप भी जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MOHIT मोहित YT10, ये भी अनअकैडमी प्लस पर होगा। 32 सेशन में पूरा स्टेटिक जीके कवर कराऊंगा जिस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक कर मैं यहां पर सारी चीजों को आपको क्लियर करके बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है जीके जीएस में और आप किस तरह से आगे उनको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हिस्ट्री में जो सबसे मेन टॉपिक पूछे जा रहा है बैटल, ठीक है, बैटल से डेफिनेटली सवाल पूछे जा रहे हैं। बच्चों, बैटल्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, है ना। बैटल से सवाल पूछा जा रहा है उपाधि, किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी गई या किसको किस सरनेम से नवाजा जाता है ना, इस तरह के सवाल आप जरूर से तैयार करके जाएं। यहां से सवाल डेफिनेटली दो सवाल आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। किस शासक के शासनकाल के दौरान कौन यात्री आया, है ना, जैसे मेगस्थनीज की बात करें, ठीक है, या ह्वेन सांग की बात करें या फिर इब्ने बतूता की बात करें, तो किसके शासनकाल के दौरान आए, कौन सी सल्तनत थी, मुगल साम्राज्य था, है ना, कौन सा साम्राज्य था, किस वक्त आए, वो आपको ध्यान रखना है, या उन्होंने कौन सी बुक लिखी तो उस बुक के बारे में आपको ध्यान रखना है इंडियन हिस्ट्री को अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको रिवर्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी रिवर कहां से निकलती है और कहां तक जाती है, उसके ऊपर कौन सी नदी घाटी परियोजना चल रही है उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही कौन से सिटी से होकर गुजरती है वो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही आपको नेशनल पार्क पर थोड़ा सा फोकस करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, और किस जानवर से संबंधित है वो नेशनल पार्क या वाइल्ड सेंचुरी, ठीक है। साथ ही आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी लेक कहां पर है, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की है तो कौन सी कहां पर है, ठीक है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कहां पर है, तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में आपको बुक्स जरूर से पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स किस राइटर की है, डेट से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, डेट्स और उनकी थीम से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पर सीईओ ब्रांड एम्बेसडर से सवाल पूछा जा रहा है, विभिन्न राज्यों के जो हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सीएम और गवर्नर से संबंधित सवाल, हर पेपर में दो सवाल ये कंफर्म पूछे जा रहे हैं। साथ ही यहां पर फोक डांस, कौन से फोक डांस है, कौन से राज्य का, ये यहां पर पूछा जा रहा है। साथ ही यहां पर ट्राइब से कौन सी जनजाति कहां पर निवास करती है, ट्राइब से सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बताऊं कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो यूएनओ से जरूर से सवाल पूछा जाएगा, यूएनओ से आप डेफिनेटली इसको तैयार करके रखें। और इंडिया की सूची, है ना, जो सूचकांक आता है इंडिया की, कौन से सूचकांक में कौन सी पोजीशन है वो भी आपको यहां पर बच्चों थोड़ा, ठीक है, यहां से डेफिनेटली एक सवाल आपका
पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, हर एक परीक्षा में एक सवाल कम से कम पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म है ना, जैसे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ ली, डीआरडीओ की पूछ ली, इसरो आईएसआरओ की फुल फॉर्म पूछ ली, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म आसान है, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना, नियुक्ति किस व्यक्ति की कौन से पद पर नई नियुक्ति की गई है यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है आपको। एयरपोर्ट से संबंधित सवाल जरूर से पढ़ लेना है, एयरपोर्ट और सीपोर्ट, कौन सा सीपोर्ट या एयरपोर्ट कहां पर है, किसका नाम बदला गया है, नाम बदला गया है तो क्या नाम उसका रखा गया है, ये सवाल आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं से आपके मैक्सिमम सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर करके ना चले। अगर आप इन सारी चीजों को तैयार कर लेते हैं, यहां पर एक चीज और जोड़ दूंगा मैं, कैपिटल, किसी भी कंट्री की कैपिटल, कैपिटल करेंसी, ठीक है, ये भी आप तैयार कर लें। इसको याद करने में एक सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, सर इतने सारे कंट्री हम किसकी याद करें, तो अभी फिलहाल में पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी विदेशी दौरों पर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री ने कोई भी यात्रा की है, या फिर किसी भी दूसरे कंट्री से कोई भी व्यक्ति हमारे कंट्री में आया है, तो किस कंट्री से आया, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी, इनको याद कर लें। सेलेक्टेड पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ना है आपको जो जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इतना पढ़ेंगे डेफिनेटली यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, साथ ही इसमें मैंने ये भी चीज क्लियर कर दी कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पूछी जा रही है वो भी, ठीक है। तो स्टैटिक के टच को करते हुए सारे यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, अगर इनको आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 30 प्लस तक की उम्मीद कर सकते हैं जीके जीएस के पार्ट में। करंट अफेयर ध्यान रखें, करंट अफेयर में मैक्सिमम सवाल 2019 से पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई 2019 से ही आप करंट अफेयर तैयार करें, ठीक है। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 तक की करंट अफेयर तैयार कर लें, इसी में से आपके करंट अफेयर के सभी सवाल पूछे जाएंगे, इधर उधर ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। करीब 7 से 8 सवाल के करीब करीब आपके जनरल साइंस से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्लियर। तो ये तो था कि किस किस टॉपिक पर आपको ध्यान करना है, क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस बार के एग्जाम में सेफ स्कोर कितना हो सकता है। देखिए जिस तरह का पेपर अभी फिलहाल आ रहा है, तो पेपर आप ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान है, कोई कह रहा है कि 95 मैंने अटेम्प्ट करके आया। देखिए इस तरह के रुझान, ये फ्रॉड रुझान इस वक्त आने बिल्कुल तय है। काफी बच्चे कहेंगे मैंने 95 कर दिए, कोई कहेगा मैंने 96 कर दिए, कोई कहेगा मैंने 99 कर दिए, उसका नहीं चलता, वरना वो ये भी कह सकता है कि मैंने 110 क्वेश्चन कर दिए 100 में से, ठीक है। तो इस तरह की बातें लगातार मिलती रहेंगी आपको। देखिए पेपर कैसा भी हो, कोई भी बच्चा इतना ज्यादा स्कोर पेपर में नहीं कर पाता, जितने आसान क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन उतने ही डाउटफुल रहते हैं, और ऐसे सवाल हमेशा परीक्षाओं में गलत भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के पेपर में अगर 75 तक का स्कोर कर देते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आप अगर ठीक कर देते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ जोन है, पेपर आसान है। इतना क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट करना और सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी वही चीजें हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत हाई फाई सवाल यहां पर अभी तक जैसे प्रश्न हमें मिले हैं पूछे जा रहे हैं, अगर इसके बिहाफ पर भी मैं कहूं तो। लेकिन यहां पर एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, और कि ये जो पेपर है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना कि पेपर तो सामने नहीं आ रहा है, क्या पेपर क्लियरली मिल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको नहीं पता, केवल जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो वो आपको बता रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको पता चल रहा है ना। और वो भी किसके जरिए बताते हैं, स्टूडेंट से ही उनको पता चलता है, उनके व्हाट्सएप पर, उनको ईमेल के जरिए या सीधे बात करके वो क्वेश्चंस का पता लगता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो आसान क्वेश्चन होता है वो स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर ये सवाल पूछा गया, सर ये सवाल, लेकिन जो टफ सवाल होगा
वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट के ध्यान में नहीं रहेगा। तो आप यहां मान सकते हैं कि 90 क्वेश्चन तक तो मैं बात समझ सकता हूं, लेकिन उससे ऊपर जो 10 सवाल हैं वो शायद कम ही बच्चे याद रख पाते हो। तो 90 क्वेश्चन तक आप मान सकते हैं कि आसान सवाल हो सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के, लेकिन 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में उलझन भरे होंगे, और शायद जब एग्जाम सेंटर से बच्चा वो बाहर निकल कर आता है तो उसके माइंड से भी वो फुर हो जाते हैं और नहीं याद रख पाता कि क्या सवाल पूछा गया है। तो ये भी चीज एक अपने माइंड में सेट करके चले। तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी मिल रहे हैं। हाँ, इजी टू मॉडरेट हम 90 क्वेश्चन को यहां पर मानकर चल सकते हैं। तो इस 90 सवालों में हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 75 हम सवाल सही कर सकते हैं, और अगर आप 75 का स्कोर कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आप नहीं पास कर पाएंगे, डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 को कॉल हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चला होगा कि हमें किस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है जीके जीएस में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जीके जीएस है। मैथ्स और रीजनिंग बच्चे करीब करीब मैं मानता हूं 90-95% तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन मेन समस्या क्या रहती है, जीके जीएस। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और जिनका एग्जाम अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीने या 2 महीने बाद है तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनाकर एक समयबद्ध तैयारी करके इन चीजों को तैयार कीजिए, डेफिनेटली आप 40 में से 30+ तक का स्कोर भी अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और आपने अभी तक हमारे गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपका अपना चैनल गुरुकुल हब, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।